आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मैगी सूप। एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए गार्लिक डाल देंगे, अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच जिंजर पेस्ट डाल देंगे, अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे। सभी सब्जियों को 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें 3 से 4 कप पानी डाल देंगे, बॉईल आने का वेट करेंगे। एक उबाल आते ही इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे इसमें। अब इसे मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट ढक कर पकाएंगे। अब इसमें मैगी को तोड़ के ऐड कर देंगे, अब इसे मिक्स कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, अब इसे मिक्स कर लेंगे। सूप हमारा रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैगी सूप आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।